अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अभी तो मैं पहुंच चुका हूं जी सऊदी अरब। तो आगे आगे दिखाएंगे आपको सऊदी अरब की लाइफ और यहाँ लोग कैसे रहते हैं। कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह भी शेयर करें जो हमारे साथ इधर कंपनी में काम करते हैं। तो मेरी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी इस्लामाबाद से बहरीन और बहरीन से फिर रियाज की, तो बहरीन से जब रियाज के लिए मैं सफ़र कर रहा था तो मेरे साथ वाली सीट पे एक भाई बैठे हुए थे जिनका ताल्लुक सवात से था। तो जब मैंने उन्हें काम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं एज अ मिस्त्री के तौर पे ब्लॉक मैसन जो होते हैं जो ब्लॉक का काम करते हैं तो उसमें काम करता था, लेकिन अभी जाके जो है मैंने वो बड़ी गाड़ी चलानी है जो उधर मेरे को कज़न है उनका बिजनेस है। तो मैंने कहा इस दफ़ा कितने में वीज़ा पड़ा आपको? तो जब उन्होंने मुझे वीज़ा कास्ट बताई तो मैं सुन के हैरान रह गया कि आया सऊदीया के लिए भी लोग इतना खर्चा करके आते हैं। तो उससे तकरीबन जी 25 लाख के लगभग जो है वो खर्चा किया है सऊदीया आने के लिए। तो मैं उनसे हंस रहा था कि मैंने कहा यार इतने पैसे लगा के तो लोग यूरोप चले जाते और आप सऊदी आ रहे हो। तो कह रहे यार जहाँ की जो कमाई का मज़ा है वो वहाँ नहीं है। तो बकौल उसके वो जो उसकी आमदनी यहाँ है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रियाल तक यहाँ भी इजीली वो निकाल लेगा, और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसके मुकाबले में उसे सऊदीया जो है वो बहुत सेफ कंट्री लगता है। तो ज़्यादा ख़र्चा उसका खैर इस वजह से हुआ कि जिस कफ़ील के साथ वो लास्ट टाइम काम करता रहा तो उसने उसके ख़िलाफ़ कोई केस वगैरह किया था जिसकी वजह से उसको कुछ माह जेल भी हुई, तो इसका वापस आना मुश्किल था। तो वो अपने डॉक्यूमेंटेशन सीधा करवाने में उसको तकरीबन 25 लाख के लगभग देने पड़ गए। तो बहरहाल जी काम के हालात इधर भी बेहतरीन है, अगर किसी को चांस लगता है तो ज़रूर आए सऊदीया। स्पेशली जो नियोम सिटी का प्रोजेक्ट बन रहा है तो उस वजह से इधर काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर कोई कंपनी का वीज़ा मिलता है तो पाकिस्तान से कंपनी की वीज़े पे आए और कंपनी की पहले प्रॉपर रिसर्च कर लें। बाकी कंपनियों के बारे में मैं भी आपको बताता रहूँगा जो जो अच्छी कंपनीज हैं इधर। तो इंशाल्लाह आने वाले भी व्लॉग्स में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप एक अच्छा वीज़ा कम पैसों में ले सकते हैं और सऊदी आ सकते हैं। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जॉब पोस्टिंग वगैरह भी करेंगे इस पर।